संस्कृति और जीवन को दर्शाता हो और आज के लिए भी उपयोगी हो। एक ऐसा सूक्त जो बिल्कुल भिन्न है, ना तो इसमें दर्शन दिखेगा आपको, ना इसमें आपको कोई बहुत तत्व ज्ञान दिखने वाला है या कि सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन दिखने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनियादारी से जुड़ा हुआ, एक व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ एक सूक्त है जिसमें मनोविज्ञान और दूसरी कई बातों का इसमें उल्लेख आपको प्राप्त होगा। तो ये जो अक्ष सूक्त है, जैसा कि अभी डॉक्टर दास ने बताया, क्रीड़ा का वर्णन करता है। क्रीड़ा का अर्थ है कि खेलकूद, यानी कि जिनका प्रयोजन मनोरंजन माना जाता है। मुख्य तौर पर मनोरंजन क्रीड़ा का उद्देश्य है। और क्रीड़ा में कुछ उपकरण होते हैं, कुछ भी होंगे, चाहे गेंद हो, चाहे बैट हो, चाहे बल्ला हो। तो इस तरह से जो क्रीड़ा है उसको किया जाता है। हमें ये पता लगता है कि अक्ष क्रीड़ा अत्यधिक काल में अनुमोदित है, और उसका अगर गलत हो जाए, उसमें आगे बढ़ जाए, तो वो एक व्यसन के रूप में आ जाती है, जो कि निंदनीय है, जो समाज के लिए अवहेलनीय है। और उसी की शिक्षा इस सूक्त में दी जा रही है। और इसमें जैसा कि आपको बताया गया, 14 मंत्र हैं और इसके ऋषि भी दो हैं, कवश एलुष और अक्षो मौजवान। और इसका जो देवता है वो भी, इसमें भी कई सारे देवता हैं, जैसे अक्षाह, कितव निंदा, द्यूत निंदा, ये सब इसके देवता बताए गए हैं। और त्रिष्टुप और जक्ति, दो प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग हो रहा है। प्रकार से ये एक सूक्त हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसकी समालोचना करें, सूक्त शैली क्या है, विषय क्या है, तो विषय तो हमने बता ही दिया आपको, लेकिन इसकी जो शैली है वो भी एक विशेष प्रकार की शैली है। ये स्वगत भाषण शैली है या आत्म प्रलाप जैसी शैली है। जो जुआरी है, जिसको कि संस्कृत में कितव कहते हैं, कितव सूक्त इसीलिए इसको कहते, तो वो स्वयं में अपने आप बड़बड़ बोल रहा है, अपने आप बोल रहा है, आत्मोक्ति कथन रहा है, और अपने बारे में, अपनी दुर्दशा के बारे में, अपने आकर्षण के बारे में, कैसे क्या हुआ समाज में, घर में, इत्यादि इत्यादि सारा विवरण यहाँ पर कर रहा है। तो इसकी शैली को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी, ये एक उत्तम काव्य का उदाहरण भी है अक्ष सूत्र, क्योंकि इसमें जो काव्य के गुण होते हैं, अलंकार, रस, आकर्षण, कहानी, कुछ संवाद, वो सब भी हमें इसमें प्राप्त होते हैं। रूपक इसमें अलंकार बहुत सारे आपको प्राप्त होंगे, और थोड़ा हंसी मजाक भी जैसे प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह की शैली और इसका वो बोलने बताने का तरीका, वो अपने आप बड़ा अनूठा सा तरीका है। या जो द्यूत क्रीड़ा से विनाश की जब बात हो रही है, तो इसी कहानी को या इसी सूक्त को आधार बनाकर, जो महाभारत में हम देखते हैं पांडवों का, विशेष रूप से युधिष्ठिर का, द्यूत क्रीड़ा के प्रति आकर्षण, और फिर उससे जो उनकी थोड़ी दुर्गति होती है, वनवास इत्यादि होता है, तो उसका भी मूल यहाँ पर माना जाता है। या फिर एक नल की कथा भी है, और उन्होंने जो द्यूत क्रीड़ा में वो फंसे थे, उससे जो विनाश इत्यादि हुआ, उसकी भी मूल इसको माना जाए। तो ये एक ऐसा सूक्त है जो हमारे बाद वाले पर भी प्रभाव डाल रहा है। इस सूक्त को पढ़ने से, जो अगर हम चाहेंगे तो इसको बाद में बांट सकते हैं 4, 5, 6 विषयों के अंतर्गत, लेकिन जो पहला मंत्र है उसको अगर देखा जाए, उसको देखें, प्रावेपा मा ब्रहतो मा दयन्ति प्रवाते जा ईरणे वर्वृतानः सोमस्य इव मौजवतस्य भक्षो विभिदको जागृहि मह्यम अच्छान। यहाँ पर वही कितव, वही जुआरी, जिसको कि आदत पड़ गई है जुए की, और बाद में जो अपनी दुर्दशा का वर्णन करने वाला है, वो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पासे हैं ना, ये मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। इन अक्षों को पासे कहते हैं। तो ये जो पासे हैं, ये जो गोटे हैं, ये मुझे बहुत आकर्षित, विशेष तब जब ये गिरती हैं। ईरण ताना, ईरण माने दूत पर,
जब ये द्युतपटी होते हैं स्थिर होंगे तो क्या नंबर है इत्यादि इत्यादि तक पता लगेगा। तो फॉर दैट मोमेंट मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो कह रहा है मुझे बहुत हर्षित करते हैं जब वो हिल रहे होते हैं। और खुद अक्ष अक्ष क्या है, गोटे उन्होंने बनाई किससे, उसको अभी हम देखेंगे। लेकिन वो उपमा देता है जैसे कि सोम का भक्ष्य, जैसे कि सोम रस का जो पान करते हैं जो लोग, वो आनंदित और हर्षित होते हैं, उतना ही आनंद और हर्ष मुझे जब गोटे हिल रहे होते हैं या कंपनशील होते हैं उन्हें देखकर मुझे होता है। यहाँ पर इस सूक्त में, इस मंत्र में विशेष रूप से कई सारी चीजें देख गौर करने की हैं। यही एक मात्र स्थान है जहाँ पर सोम को मौज वतस्य कहा गया, मूजवान पर्वत पर उगने वाला सोम एक ही स्थान पर है। और ऊपर जो मंत्र अक्षों की उत्पत्ति को बता रहा है उस पेड़ का नाम है विभिदक। उसी गोटे हैं वो जब सूख जाती हैं तो भूरे रंग की हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी स्थानों पर चीड़ के पेड़ के नीचे वो गोटे पड़े होते हैं, चीड़ के फल वो सूखकर कांटे कांटे वाले हो जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर वो छोटे हो जैसे रुद्राक्ष होता है उस तरह के कुछ हो अगर बीज तो उनसे गोटों का काम लिया जा सकता है। तो ये वो विभिदक पेड़ के फल होते थे जिनसे कि गोटे बनाते थे या अक्ष बनाते थे। और उपमा उसने सोम से उसकी मादकता या उसके आकर्षण की यहाँ पर देने की कोशिश की। तो जैसे यहाँ पर ईरण शब्द का प्रयोग हुआ जो द्युत पटल है, मतलब कि एक कोई बोर्ड है जिसके ऊपर वो फेंके जाते, तो हमें दो चीजों का तो पता लग गया। हमने कहा था ना उपकरण का प्रयोग भी होता है, तो पासे और उसका बोर्ड, उसका जो बोर्ड है, इन इन दो चीजों का पता लग गया। अब खेलते कैसे होंगे शायद थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं समझ में आया है, लेकिन कुछ आगे शब्द आए हैं जिनसे कि खेल की प्रक्रिया का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कहा गया आगे जाके कि इनका त्रिपंचाशह, इनका जो ग्रुप है पासों का जो ग्रुप है उसमें 53 का ये झुंड है। अब ये वैदिक भाषा में ऐसे ही संख्याओं को बोलते थे, 350 का झुंड खेलता है। अब 350 में आप ये लगा सकते हैं 50 यानी 53, या आप 3×50 भी कर सकते हैं 150, तो 150 भी हो सकते हैं और 53 भी हो सकते हैं। ये दो तरह का यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो भी ये संख्या है वो 4 से भागेगी, चाक देने पर अगर वो छूटेगा तब तो वो सबसे अच्छी चाल चली गई, कृत चाल उसको कहते हैं, कृत चाल का नाम भी अंदर आने वाला है। और अगर 3 बचते 4 से देने पर तो उसको त्रेता बोलेंगे, 2 बचेंगे तो पर बोलेंगे, 1 तो कली बोलेगा। तो कोई भी कली नहीं प्राप्त चाहता, कोई हर यानी कि शून्य को प्राप्त करना चाहता है, वो कोई बचे ना या जो भी गणित होगा। तो इस तरह से ये खेलने की थोड़ी सी प्रक्रिया पता लगी। फिर एक जगह अंदर ही आएगा कि राज ग्रह या अक्ष ग्रह बने हुए, राजा ने उसके लिए स्थान बनाए हुए हैं जहाँ बैठ कर लोग खेलते थे। फिर ये है कि अगर झगड़ा झमेला हुआ तो पुलिस आएगी कि तुमने अगर नियम का भंग किया या तुमने कोई उत्पात मचाया तो पुलिस आएगी तो वो पकड़ के ले जाएगी। इस तरह का आगे विवरणों से पता लगा सकते, मतलब वैध रूप से अक्ष क्रीड़ा को राजा ने अलाउ किया हुआ है, प्रजा ने अलाउ किया हुआ है, उसके स्थान बने हुए हैं, वहां खेलो, खेलने की तरह से खेलो, खेलने का उद्देश्य मनोरंजन के लिए खेलो, और कोई उद्देश्य है या कोई झगड़ा करना है या कोई उत्पात मचाना है तो राजा के जो कर्मचारी हैं वो आपको दंड दे सकते। ये सारी जानकारी हमें इसी सूत्र के आधार पर प्राप्त होती है। बाकी जैसा कि मैंने कहा खेलने की खेलने का तरीका क्या था वो बहुत बहुत क्लियर नहीं होता। अब जो खेलने पासे इत्यादि या आजकल भी कुछ इस तरह चलता है जुआ तो वो शायद समझ पाएंगे। आगे के जो 3 मंत्र हैं उन तीनों को मैं एक कैटेगरी में रखती हूँ, 2 दूसरा तीसरा और चौथा जो मंत्र है उसमें जुआरी याद कर रहा है वो दिन जब वो सुखी गृहस्थी में रहता था, जब वो अपनी पत्थात रहता था और कैसे कैसे क्या था। तो वो सबसे पहले तो कहता है मिमेत्स न जिहेड़े ईशा,
शिवा सखीभ्या उत मह्यम आसी, वो जो मेरी पत्नी थी याद कर रही शिवा थी, मेरे साथ कितने कल्याण में रहती थी, कभी नहीं लड़ी, कभी मुझे नहीं रोका, वो खेलने के लिए जाता हूँ जाने देती थी, कभी उसने रोका नहीं और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक मैं जो कि एक परायण अक्षों की लिए, एक परायण का मतलब है कि पास से किसी के भी हो जाएंगे, वो तो जो जीतेगा उसकी तरफ चले जाएंगे, तो एक परायण जो पासे थे उनकी से ने जो मेरी परायण मेरे को ही सिर्फ पति मान रही थी, जो मेरी एकमात्र व्रता पत्नी, मैंने उसको तो यहाँ पर उसने रियलाइज किया कि जो मेरी अनुव्रता पत्नी जो मेरे ही को सिर्फ मैं तो देती थी, उसकी खातिर मैंने उन पासों को छोड़ दिया जो अभी आज इसको जिताते हैं, कल उसको जिताते, परसों किसी और को जिताते। तो ऐसे वो थोड़ा थोड़ा आत्म प्रलाप सा कर रहा है। फिर क्या हुआ, जब बहुत माँ के घर चली गई, अब क्योंकि यहाँ खाने पीने की भी मुश्किल हो रही थी और ये थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा भी इसका होता होगा अपने दोस्तों के वजह से, तो जब ये वो माँ के घर चली गई और इसको हो रहा है संकट खाने पीने का और रहने का, तो ये वहां सास के पास पहुंच, तो तीसरे मंत्र में ये वर्णन है कि द्वेष्टि शश्रु, मेरी सास मुझसे द्वेष करती है। नाउ शी डजंट लाइक मैं वहां पर पहुंचूं, वो नहीं करती, और वो पति तो मुझे मेरे घर कह ही नहीं। अब यहाँ पर मुझे माँ के घर आने पर मुझे रोकती है कि यहाँ मत आया करो, ना नाथी तो विंदते मरणितारम, ऐसी दयालु किसी उपकारी किसी देने वाले मुझे नहीं, अब कोई मेरे पर सिंपैथी नहीं रख रहा है, कोई सहानुभूति नहीं रख रहा है, और मेरी हालत क्या है। उसने जो उपमा दी है आपको देखेंगे कि हमारे जो ऋग्वैदिक ऋषि है वो क्या उपमाएं सोचते हैं, दे रहा है जैसे बिकाऊ घोड़ा मार्केट में जाके खड़ा कर दो, बूढ़ा घोड़ा बिकने के लिए खड़ा हुआ है मार्केट में और बूढ़ा घोड़ा है, उस पर कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, कौन उसको खरीद के लेके जाएगा, वो किस काम, तो जैसे उस पर कोई पैसे नहीं लगाता वैसे मुझको भी कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि दांव खेलूं मैं, मुझे उनको सबको लगता है ये तो हारे गई, तो इसलिए हर कोई मेरे पर कोई लगाने को या मुझे उधार भी देने राजी है, मेरी वाइफ भी मना कर रही है, मेरी सास जी भी मुझे मना कर रही है, और अब मैं कुछ भी फायदा देख नहीं रहा हूँ, कि तवस्य भोगम न विंदामी, मैं तब यानी कि जुए का कोई भी लाभ का नहीं। फिर वो चौथे में कहता है और भी दुर्गति हो रही है, अब लोगों को जो मेरे दोस्त हैं पता लग गया है ना, तो इसकी बीबी इसके पास रही है, तो वो सब लोग मेरी पत्नी को छेड़ते हैं, उसको खींचते हैं, क्योंकि मेरे पास बार बार मुझे हरा देते हैं, मतलब मैं आज हारने वाला जुआ हो गया ना। और फिर देखिए जो मैंने आपको बताया था, अब ये हालत है कि माता पिता भ्रातारम एनम आहु, मेरे भाई मेरे माता मेरे पिता सब लोग, कोई राज पुरुष पकड़ने के लिए झगड़ा हो रहा है यहाँ उत्पात हो रहा है, तो वो कहते हैं इसको बांधो और ले जाओ, क्योंकि ये अब जुवारी अपने आए हैं, इसलिए उसको अपना रिश्तेदार भी बताने से इनकार कर देते हैं और ये मेरे घर की दुर्दशा मेरी वजह। यहाँ तक उसने एक बार वह चित्रित, अब वो कह रहा है कि ये जो क्रीड़ा थी ये तो व्यसन का रूप लेती, और अगले तीन मंत्र में उसका चित्रण किया जाता है। यदादी काफी मनोवैज्ञानिक इनमें चित्रण, मैं बार बार सोचता हूँ बिल्कुल नहीं खेलूंगा, बिल्कुल नहीं खेली जाऊंगा, अक्षणी अब इनसे मिलूंगा नहीं, और परायद मैं अपने दोस्तों को भेज भी देता हूँ वापस कि जाओ भैया माफ करो नहीं खेलेंगे आज, हम हमारे इधर नहीं बैठो चलो जाओ, तो वो चले जाते हैं आगे। आज जाकर वो चौथे पांचवे कहीं घर में तो बैठते ही है, क्योंकि है। वो तो इतने दुर्गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो तो क्रीड़ा करने आए हैं। जैसे ही वो वहां बैठते हैं, जैसे ही वो इरण पर पाशों को फेंकते हैं, और जैसे आपने महाभारत के पाशों की आवाज सुनी है शायद वैसी ही आवाज वो पाशों की दूर से उसको सुनाई देती है,
तो कहता है जैसे ही वो मुझे आवाज सुनाई देती है बबरू जो है वो पानी को करते हैं, यानी कि जैसे ही आवाज सुनाई है मैं दौड़ता दौड़ता उधर चले ही जाती हूँ। मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ, कंट्रोल में नहीं कर पाता। और फिर हमारे ऋषि से देते हैं जारणी, ये जार और जारणी वेद में शब्द आते हैं, अवैध पति नहीं अवैध प्रेम। अगर वैध प्रेम और प्रेमिका है तो मिल सकते हैं, लेकिन अवैध प्रेम जिसको कि साहित्य ने अभिसारिका कहा गया है बाण भट्ट ने, कि काले कपड़े रात के अंधेरे में छुपती छुपाती मिलने जाती है, तो जैसे कोई जारणी स्त्री मिलने जाती है किसी निश्चित स्थान पर, जिसको आजकल भी डेटिंग कहते हैं, कोई निश्चित स्थान है जहाँ छुपते छुपाते मिलने जाती है, वैसे ही मैं फिर से फंसा हुआ व्यसन के चक्कर में अपने आप आता हुआ ऐसे ही फिर उधर छुपते छुपाते स्थान पर पहुंच, हद हो गई है अक्ष क्रीड़ा के स्थान पर उसके लग गई। व्यसन है जैसा कि आपको डॉक्टर दास बता रहे थे, संस्कृत साहित्य में 6 व्यसन होते हैं जिनका उल्लेख किया गया है। मृग्या मतलब आखेट खेलना, वो शिकार करना, मदिरा पान करना दूसरा, अलिगमन तीसरा, अक्ष क्रीड़ा चौथा, पर निंदा करना पांचवा। बहुतों को निंदा करने में ही बहुत मजा आता है, कुछ भी मिला तो व्यसन हो जाता है, इसको निंदा रस भी लोग। और छठा है चुगली करना, कुछ लोगों की चुगली करने की आदत पड़ जाती है। तो ये 6 प्रकार के व्यसन है। इनमें जो द्यूत क्रीड़ा है या वहां पर भी लिस्ट में है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वो व्यसनों की बताएगी। व्यसन और व्यसन को बैड हैबिट्स कहते हैं, मतलब अब बाहर हो गया व्यक्ति उससे बंध गया है, उससे अपने को है। तो उसको हम व्यसन है चाहते हुए वो रोक आता है। आजकल जैसे धूम्रपान है, सिगरेट पीना है, उस व्यसन मानता है, कोई तंबाकू खाना इत्यादि ये है। तो इस प्रकार से व्यसन के रूप में गया और डाणी की तरह छुपते छुपाते पहुंचता है। जैसे ही वो पहुंचता है, ये छठा मंत्र तो बड़ा मन चित्र नाटक चित्रित करता है, देखो अब तो राम जी के पास ना तो पैसे हैं, ना तो कुछ खेलने के लिए उसके पास कोई पैसे दिए हुए हैं ना कुछ है, लेकिन वो पहुंच गया है, पूछ रहा है अब से जरूर तो जरूर जीतूंगा। ये देखिए लिखा हुआ जय श्यामी थी, मैं जीतूंगा। ऐसे सोचते हुए तनवा सुषमा अपनी छाती को चौड़ा करते हुए वो सभा में पहुंच जाता है। और जैसे ही अक्षासह अक्ष को देखता है, उसकामना और बढ़ जाती है, और वो अब सोचता है कृतानी कृत चालों को चलने को है, जिन चालों के बारे में हम बात किया था ना, जो सबसे अच्छी चाल है कृत चाल, जिसमें कि कुछ ना बचे, कोई चार से भाग देने पर कोई संकोच। तो ऐसी वो कृत चालें शुरू करता है और पूरी तरह से बैठ तसल्ली के साथ कि अब जीत के ही लौटूंगा। और वैसे वो उसकी प्रकृति है, अब तो वो बार बार हारता ही हारता है। और फिर वो बड़ी खुशी से कहता है, उनका वर्णन करना शुरू, ये तो जी बड़े आकर्षक हैं, ये तो इनका तो जैसे विरोधाभास का इनका स्वरूप है। देखिए दो चार आपको सुनाते हैं। अंकुशना नितो दिना अंकले हैं और भेद करते हैं, ये तपने वाले हैं और तपाने वाले हैं, ये बिना हाथ पैर वाले, लेकिन मुझे मैं देखता हूँ कि हाथ वालों को हरा देते हैं, जो हाथ वाले खिलाड़ी हैं उनको हरा देते हैं और ये बिना हाथ के होते हैं, हर जीत वहां पर हो रही होती है। और मधु से सने हुए हैं या बहुत आगे हैं, और जुआरी किए हैं, इनकी जुआत आ जाती है। तो ऐसे तसल्ली दे रहा है, उनका वर्णन कर रहा है, उनकी शक्ति का थोड़ा थोड़ा गुणगान। लेकिन आगे तो 8 मंत्र में 9वें मंत्र में अक्षों की शक्ति जैसे को माना हुआ है, अक्षों को हीरो माना हुआ है, इस तरह से उनका चित्र होता है। पंचाक्षा क्रीड़ा
वो 350 बात माने सर 350 का समूह इनका खेलता है। देव सविता सर ये तारीफ ये इतने से है जाएंगे जाएंगे वही जीतेगा। तो ये बड़े दल हैं, बड़े पक्के हैं, सत धर्म है इनका, इतना धर्म है कि सविता देव सूर्य जो की नियम से आए से जाएंगे, नियम से ऋतुएं नियम पे, तो जितने धर्म है सत्य धर्म ये पासे हैं इतना वो उनसे अभिभूत हो रहा है। उग्रस्य चिन्ह मन्यवे नानमन, कितना ही कोई क्रोध कर ले मेरी तरफ आ मुझे जिता मुझे जिता, ये उसके आगे नमन नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। और राजा को उनको आके प्रणाम करना, राजा भी अगर बैठेगा खेलने तो मन ही मन इनको प्रणाम करेगा कि मुझे भैया जीतना अक्षों, ये अक्षों मुझे जिता देना। तो इस प्रकार अक्षों की महिमा का वर्णन 8वें मंत्र में करता है। फिर वही विरोधाभास में उनका ही गुणगान कर नीतंते उपंति, फेंके तो नीचे जाते हैं लेकिन हृदय में चलते हैं, हाय क्या होगा। अहस्तम शांति, बिना हाथ के हाथ वालों को हरा देते हैं। दिव्यारा जब ये ईरण पर फेंके दूध पटल पर फेंके जाते हैं तो ऐसे चम जैसे अंगारे, मतलब हम लोग के दिलों में खिलाड़ हैं दिलों में ऐसे चमकते हैं। और शीता संतो हृदय दहंती है तो लेकिन हृदय देते हैं, यानी कि मतलब बहुत एक्साइटमेंट को पैदा। फिर वो 10वें 11वें और 12वें में अपनी और दुर्गति हो गई और दुर्दशा हो गई उसका चाह और याद कर रहा है। ये जो है ना मंत्र, अब तो उसकी और भी बुरी हालत हो गई, जो उसकी माँ है उस तक वो उसकी चर्चा कर रहा है। जाया तपते कित्वस्य हीना माता पुत्र से चरता क्वस्य, मेरा अब कोई घर तो ठिकाना तो है नहीं, घर तो है नहीं, तो मैं इधर उधर हारने के बाद इधर उधर डोलता रहता हूँ, माता करती है मैं कहीं भी डोलता रहता हूँ। पत्नी जो है वो शान रही है कि मैं उधर घर तो जाता नहीं, नाम मुझे तो अभी ऋण और चाहिए, अभी और खेलना है तो ऋण चाहिए तो है नहीं, और कोई देता नहीं है, पहले वो बोल चुका है। क्या अन्य शाम अस्तम न दूसरों के घरों में रात को जाता। अब यहाँ पर इस हिस्से के हम दो तीन तरह से अर्थ कर सकते हैं। दूसरों के घरों में रात को जाता क्योंकि मन में तो उसको धन लेना है, थोड़ा पैसा हो ले तो आगे खेल खेले। तो कुछ लोग कहते हैं रात को इसलिए जाता है क्योंकि रात को ही लोग मिलते हैं, दिन में तो काम पर जाते हैं। कोई कुछ लोग कहते हैं कि वो चोरी करने के लिए दूसरों के घरों में रात को जाता है, शायद चोरी कर ले। अब एक दुर्गुण से दूसरे दुर्गुण हो ही जाते हैं तो वो चोरी करने के लिए जाता है। कुछ कहते हैं कि शायद वो शरण जैसे तो छुपते छुपाते ढकते ढकाते अपने को जाता है तो इसलिए वो रात को जाता है, लेकिन है तो यही कि कोई उसको देने को राजी नहीं है और वो फिर वापस वैसे का वैसा लौट आता है। लेकिन आदत के वशीभूत 11वें मंत्र वर्णन करता है कि वो फिर सुबेरे हुई नहीं कि अपने अक्षों को फिर से द्युत पटल पर दौड़ता है, जैसे घोड़ों को दौड़ाने लगा उन्हें रस्सी रस्सी बांधकर, वैसे ही पूर्वाने अश्वान युविजे जैसे ही सुबह दूसरा हुआ फिर से अक्षों को बांधकर तैयार करने लगता है, वैसे ही वो अक्षों को लेकर खेलने के लिए आमादा हो जाता है। और ज्यादा उसको दुख तब होता है जब देखता है कि मेरी पत्नी की भी दुर्दशा हो रही है, और दूसरों के घरों को जब देखता है उनकी पत्नियों को देखता है तो और उसको बुरा लगता है कि औरों की पत्नियां तो बहुत अच्छे से रह रही हैं, मेरी बुरे हाल में रह रही है। दूसरों के घरों को देखता है लो इनके घर तो बहुत अच्छे से बने हुए, मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो ये तुलना भी करता है और फिर और भी ज्यादा उसको बुरा लगता है। लेकिन जो भी हो फाइनली, क्योंकि दिन भर तो फिर से खेलते हैं और दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, कहीं घर ठिकाना नहीं, तो अंते वृषला अग्ने पपात, रात तक शाम होते होते वो अग्नि के निकट कहीं पड़ा हुआ मिलता है, नाली के किनारे या कुछ भी कह लो, जब थोड़ी सी आग वाग जल रही हो जिससे थोड़ा शीतलता है,
बिस्तर तो मिलेगा नहीं, तो इसकी कोई स्थान कर वहीं पर वो गिरा पड़ा रहता। ये आपको वर्णन जो आक्षों के प्रति कैसे उनको अपना हीरो अपना सब कुछ समझता है और उनसे बहुत आशा रखता है, कैसे उसके पत्नी धीरे धीरे उसको छोड़ती है और उसके घर की दुर्दशा होती है, कैसे उसके भाई बंधु माता पिता भी उसे पहचानते नहीं और उसकी कोई भी पहचानता नहीं, उसका ठिकाना नहीं और नाली के किनारे वो पड़ा रहता है। इस तरह का उसने अपनी दुर्दशा चित्रण खुद, इसीलिए हमने ना जैसे अपने आप बड़बड़ करके आत्म प्रलाप स्वगत भाषण की शैली में उसने वर्णन किया, लेकिन फिर भी बुद्धि के साथ किया है क्योंकि कई जगह उसने अच्छे उपाय और अलंकारों का प्रयोग भी किया है। अब 12 13 14 ये जो तीन मंत्र हैं, इसमें उसका फाइनली अब वो संकल्प और प्रेरणा की बात हो रही है। अब सीन थोड़ा बदलेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेम, क्योंकि कहानी ये जो वर्णन जो वर्णन करना तो ऋग्वेद का उद्देश्य नहीं हो सकता, ऋग्वेद का तो कुछ खास उद्देश्य होगा जो लोकोपयोगी होगा, जो श्रेयस और प्रेयस से जुड़ा हुआ होगा, तो उस तक तो उनको लेके जाना ही पड़ेगा, जाना ही होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि जैसे कहते हैं ना कि अच्छा भाई अब माफ करो, छोड़ो हमें, हमारी लत लग गई है ना, तो हम नहीं छोड़ पा रहे, तो चलो तुम ही हमें छोड़ दो, तब भी वही बात हो जाएगी। तो इस तरह से ठीक है भाव से वो मंत्र में कहता है, यो वा सेनानी महतो गणस से राजा व्रातस से प्रथमो बबू, ये जो तुम्हारा पूरा दल है ना 53 का या 150 का, इसका जो भी सेनापति हो, मुझे नहीं पता हु इज द लीडर ऑफ द होल गैंग, मगर कोई लीडर तो होगा क्योंकि एक बड़ी शक्तिशाली कोई फौज है ये जो कि सबको हरा रही है, तो ऐसी ये जो सेना है इसका जो भी सेनानी है उसको मैं तस्मयी कृणों में, मैं उसको करता हूँ। अब ये करता हूँ क्या नहीं लिखा है तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, सैल्यूट करता हूँ उसको, नमस्ते उसको, प्रणाम करता हूँ उसको, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्या प्रार्थना करता हूँ, न धनारुणद में, मैं धन को नहीं रोक रहा, आई हैव नो मनी, नाउ आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, मेरे पास धन नहीं बचा बिल्कुल, और वो कहता है मैं दश जो मेरी उंगलियां हैं उनको प्राची करता हूँ, प्राची के भी दो मीनिंग निकाले जा रहे हैं सकते हैं, मैं अपनी दसों उंगलियों को यानी दोनों हथेलियों को दिखाता हूँ, देख लो भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं, या दोनों दसों उंगलियों को दोनों हाथों को इस खेल से अलग करता हूँ, पीछे करता हूँ, अब इससे मैं अलग हो रहा हूँ, विरक्त हो रहा हूँ, लेकिन ये बात जो भी मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल रितम वदामी, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, नाउ मैं बिल्कुल टर्मिनेशन कर लिया है, अब मैं नहीं खेलूंगा और इस पासु के जाल में नहीं फंसूंगा। तो इस तरह से वो उनके सेनापति को संबोधित करते हुए अपनी बात को रखता है। 13वां मंत्र है जो कि इस पूरे सूक्त का सार है या उद्देश्य है या आप कहें कि वही संदेश वेद का, जो कि सबको आता है, बहुत लोगों को याद भी होगा, अक्षय मा दिव्य कृषि मिति कृषस्य वित्ते रमस्य बहु मन्य मानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्या। ये जो आर्य सविता देव हैं, ये जो श्रेष्ठ सविता देव हैं, इन्होंने मुझे कहा या मुझे प्रेरित किया, बताया, प्रेरणा दी, कहा दी, मतलब भूल के तो नहीं दी, मनी मन में मेरे को अंदर पता लगा वो मुझे प्रेरित कर रहे थे, उन्होंने ये कहा मुझे, और बाकी जो है वो सविता देव के द्वारा कहे गए जैसे वचन हो उस तरह से रखा गया। अक्षय मा दिव्य, जुओं पासों से मत खेलो, पक्षों से मत खेलो, कृषिमित कृषस्व, लोट लकार का प्रयोग, कृषिमित कृषस्व की खेती ही करो, कृषि ही करो, वित्ते रमस से बहु मन्य माना, जो तुम्हें कृषि से वित्त या धन प्राप्त हो उसी को बहुत मानते हुए उसी में रमण करो, उसी में आनंदित हो। ये पहली बात है जो उन्होंने बताई है, सविता देव ने प्रेरणा दी है, और फिर उन्होंने आगे उसका फायदा बताया, तत्र गावा कितव तत्र जाया, हे कितव हे जुआरी, उसी में तुम्हारी गाय होंगी, उसी में तुम्हारी पत्नी होगी, ये जो है ये पशु समृद्धि का प्रतीक है, गाय होंगी यानी कि हमारे यहाँ पशुओं को बहुत बड़ा धन मानते थे,
एक तो कृषि की बात होगी, कृषि और पशु दो ही तो है, पशुपालन और कृषि, ये वैदिक संस्कृति के आधार, अर्थव्यवस्था के आधार। तो इसलिए वो कहता है गावें होंगी यानी कि पशु होंगे यानी कि समृद्धि होगी, तत्र जाया वहीं पर तुम्हारी पत्नी होगी, पत्नी का मतलब परिवार होगा, घर होगा, गृहस्थी होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये आपको पूरे पूरे आर्थिक, पूरा आर्थिक उन्नति वहां पर होगी अगर तुम अपने हाथ से काम करोगे, अपने हाथ से खेती करोगे, ना कि जुआ खेलोगे। और वहीं पर तुम्हारा पारिवारिक सुख होगा जब तुम अपने हाथ से मेहनत अर्जन करोगे धन को, ना कि ऐसे ही ऐरे गहरे तरीके से धन को प्राप्त करके निर्वाह करने का प्रयास करोगे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखने की है कि धन को अपनी मेहनत से कमाना है, ये संदेश दे रहा है ऋग्वेद। कृषि करना मतलब एक प्रतीक है, कृषि कुछ भी कोई भी कर्म अपने हाथ से करो, मेहनत से करो और फिर जो धन मिले उसमें आनंदित होना चाहिए। ये आपको कृषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति सबका बीज यहाँ पर दिखाई देता है। और बाद में हमारे इतने जो नीतिकार हैं उन्होंने कितना लिखा है, उद्योगी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मेहनत से धन की प्राप्ति होती है, देव देव आलसी पुकारा, आलसी लोग ही तो करते हैं बाकी तो मेहनत करते हैं। तो मेहनत धन पाए ना कि ऐसे जुआ खेलकर किसी और तरह से धन पाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि अभी आजकल भी बहुत जुए में लोग लिप्त रहते हैं तो उनके लिए ये मना किया जा रहा है। और ये बात हम प्राप्त हुई सविता से, क्योंकि सविता लगातार प्रयोग करते हैं और प्रकाश देते हैं और हम उनकी महिमा जानते हैं कि उनसे ही जीवन है, उनसे ही प्रकाश है, उनसे ही दुनिया चलती है, रात दिन होते हैं। जब वो इधर से चले जाते हैं रात को सूर्यदेव, तब भी वो दुनिया के दूसरे भाग में होते हैं। पहले लोग कहते थे कि वेद को नहीं पता है कि अस्त होता, अस्त अस्त बोलते हैं इनको, नहीं वेद को पता है कि वो अस्त नहीं होते हैं, वो दूर चले जाते। बस सूर्य से श्रेमाणम योना तंद्र, ये आपको शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, लगातार चलता है सूर्य श्रेय को, तो देखो वो चलते चलते कभी भी थकता नहीं है, मतलब 24 घंटे चलता है, हमें नहीं दिख रहा, वो किसी वजह से नहीं दिख रहा। तो ये जो मंत्र है ये सूर्यदेव से प्रेरणा प्राप्त करने वाला, इसको इसके साथ बहुत सारे हमें दूसरे कई चीजों का भी ध्यान रखना है और उनको भी समझना है। 14वें मंत्र में जो कि अंतिम मंत्र है वो अक्षों को संबोधित करते हुए कहता है कि मित्रम पूर्णत्वम, अब तो तुम हमें मित्र बना लो, अब हमसे लड़ाई मत करो, हमारे ऊपर चढ़ाई मत करो, हम पर अटैक मत करो, कोई घोर कर्म मत करो, मतलब मुझे फंसाओ और मुझे मित्र बना लो, और अपना क्रोध शांत करो, और अन्यो बभ्रू नाम प्रसो बभू, और अभी खेल तो क्रीड़ा तो होगी, पासे तो खत्म होगी, दुनिया तो चलेगी, क्योंकि दुनिया का नियम है कि कोई भी चीज खत्म होती नहीं है। तो जो अक्ष है वो आप ऐसा करें कि दूसरों को अपने जाल में फंसाएं, दूसरों को अपना दास बनाएं और हमें मुक्त करें। तो ये कर वो अंतिम मंत्र में उनसे विदा लेता है, अक्षों से विदा लेता है, पासों से विदा लेता है, और ये कसम खाता है या प्रतिज्ञा करता है या संकल्प लेता है, प्रेरणा लेता है कि अब आगे से वो इस तरह से धन उपार्जन की प्रक्रिया क्रीड़ा के द्वारा नहीं करना चाहेगा, मेहनत से करना चाहेगा। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, दूसरों को क्यों फंसा के जा रहा है, पासों की क्यों कह रहा है कि दूसरों को अपने उसमें करो, अन्यो बभ्रू नाम प्रसितो बभू, कुछ दूसरे ही तुम्हारे बंधन में बंधे, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर संकेत है, वो कहना चाहता है कि जिस जो लोग और हैं वैसे पड़ गए, आप उनको बांधे, उन्हें भी फिर इसी तरह से प्रेरित करें, उन्हें भी उनका चित्त भी बदलें, उनका चित्त भी निर्मल करें और उन्हें इस तरह से व्यसन से दूर करें। तो इसलिए बंधन में बांधने वाली बात है। और अगर लेना है तो मजाक में भी ले सकते हैं, हमें तो किसी और को फंसा लो, तो उस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन वेद ऐसी भाषा नहीं बोलता है, इसलिए हमें पहले वाला अर्थ लेना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो एक ये बहुत रोचक सूक्त था
जो दुनियादारी से संबंध रखता है। हमने देखा कि वो व्यवहार की बात कर रहा है, खेल को खेल खेल की भावना से खेलो। अगर तुमने उसको व्यसन की गति तक ले जाओगे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये खाली एक व्यसन के लिए नहीं है, सभी व्यसनों के लिए ये लागू होता है। हर अति का भूल अति जो है वो नहीं होनी चाहिए, अति किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अति वत्र वर्जये संस्कृत में कहते हैं, और अति का बुरा ना बोलना, अति की बुरी ना छू, अति का बुरा ना बरसना, अति की बुरी ना बोलू हिंदी में कहते हैं। वो जो संस्कृत में ईतियां कहते हैं, आजकल मैं उनकी बहुत बात करती हूँ, ईतियां। और हमारे देश में वो आजकल उनमें से चार तीन तो दिखाई दे रही है। वो ईतियां जो विपत्तियां हैं, जो आपदाएं हैं, जिनमें ये जो संकट आया हुआ है, बीमारी का संकट, या कि टिड्डी दल का संकट, या कि शुकों का, पक्षियों का संकट, पक्षियों का ज्यादा बोलना भी इति बताया गया। आजकल ये सब हमें दिखाई देते हैं। सुना होगा, संस्कृत के लोग जानते भी होंगे कि अतिवृष्टि अनावृष्टि वृषभ शल्भ शुक प्रत्यासन्नश्च राजानः षडीत्याः स्मृताः, ये छह इतियां कहलाती। तो व्यसन जो है वो इतने ना हो जाए कि इतियों में की प्रॉब्लम पैदा कर लें। आज के संदर्भ में शायद समझती हूँ मैं, यही संदेश ग्रहण करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर दास को, जिन्होंने ये सूक्त और रेलिवेंस उसके साथ जोड़ा कि उसको प्रासंगिकता उसकी दिखाकर आप जरा बताइए। और मैंने कोशिश की कि उसको प्रासंगिक अर्थ में कैसे प्रतिपादित करें। सबको बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद। थोड़े सा समय बचा है तो प्रश्न उत्तर के लिए मैंने छोड़ा है। देखिए, मुझे एक प्रश्न है, बुधो शर्मा बोल रहा हूँ। आप बोलिए। अच्छा, आपने सब रखा है। बुधो शर्मा जी बताइए। इस जो ये हमारे पास जो सूक्त है, इस सूक्त का चर्चा हमारे पास जो और साहित्य है बाद में बना है, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे हमारी भारतीय भाषाओं की हो, कहाँ उसको बहुत अच्छी तरह से रखा गया है। ऐसा कहीं किसी कवि का, किसी के जो संस्कृत में आया और भाषा में आया हो, उसका भी थोड़ा अगर पता नहीं तो। वो शुरू में मैंने बताया था, पूरे महाभारत में जो स्थिर का अक्ष प्रेम है, और वो जो थोड़ा बहुत विनाश उनका हुआ है, 12 साल के लिए जाना वनवास इत्यादि, उसी का फल है जो द्रौपदी के साथ होना। तो वहां भी दिखाया, ऐसी कथाएं आगे और बहुत सारी हैं जो इससे निकाली गई है, इस सूक्त के आधार पर निकाली गई। आप सही कह, महाभारत को सबको ही याद, और वो द्यूत क्रीड़ा की वजह से पांडवों का व्यसन हो गया था, खेले बिना रह नहीं पाते थे। चलिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद। प्रश्न उत्तर सत्र है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार, धनंजय कमला देवी जी हैंड रेस कर रही हैं, तो आप प्रश्न रखिए डॉक्टर कमला देवी जी, अनम्यूट कर दीजिए। मैं धनंजय आचार्य बोल रहा हूँ, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, आप पूछिए। मैम नमस्कार, धनंजय बोल रहा हूँ मैं। हाँ धनंजय, कैसे हैं? हाँ बढ़िया मैम। वो संस्कृत साहित्य में जो चर्चा अभी सर कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ाते समय मृच्छकटिकम मैंने पढ़ाया, उसमें जो संवाहक है वो द्युतकर है। और बिल्कुल अभी एक मंत्र मुझे एग्जैक्ट, मैंने अक्षर सूक्त तो इस तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन आपसे सुनते हुए मुझे वो श्लोक याद आ गया। वहां पे द्युतकर कहता है, जानामि न क्रीडिष्यामि, जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्युतम, तथापि खलु कोकिल मधुरो कत्ता शब्दो मनोहर। जानामि न क्रीडिष्यामि सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्युतम, तथापि खलु कोकिल मधुरो कत्ता शब्दो मनोहरति। और जो त्रेता इत्यादि वो पासों के जो चाल होते हैं उसकी भी चर्चा आई, वहां भी एक चर्चा आई है कि त्रेता हृत सर्वस्वम,
ऐसे करके त्रेता और इस तरह से चाल, हाँ त्रेता हृत सर्वस्व। एक श्लोक और है, नव बंधन मुक्त एव गर्दभ्या हाथ ताड़ितोष्मि गर्दभ्या अंगराज मुक्त एव शक्त्या घटोत्कच एव घातितोष्मि शक्त्या। तो गर्द भी और शक्ति नाम की भी कोई चीज हुआ करती थी, इस तरह से वो आया है। तो ये मृच्छकटिकम में आया है द्युत करके प्रसंग। इसका सिद्ध हो जाता है ना कि बाद के साहित्यकारों ने इस सूक्त का अपने काव्य के लिए उपयोग किया, इसीलिए काफी प्रचलित सूक्त है, लोकप्रिय है, प्रचलित है, सभी पढ़ते हैं। जी, और जी, भी निकल आएंगे मुझे लगता है। आपने आपका जो बोल रहे थे आप, उसमें जो उत्तम क्रिया का आप उत्तम प्रयोग कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ, और ये भी मैं करके ही बोला गया इसमें। हाँ, इस बिल्कुल में सारी जगह वो उत्तम बोला गया, वो ये भी एक समानता दिखाई देती है। हाँ, बिल्कुल, जाना भी इसमें आया हुआ है, ये शब्द भी आया हुआ है, बिल्कुल उसी का अनुवाद मुझे लग रहा था। ठीक है, हाँ वो त्रेता, वो अगला एक श्लोक जो मैं बोला था मुझे ध्यान आया कि त्रेता हृत सर्वस्व पावर पतनाच शोषित शरीर नर्तित दर्शित मार्ग कठिन विनिपाति तो यम, ऐसा कर संवाद। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी, रख सकते, प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ, निश्चित। हाँ, मैं आशा पांडे हूँ। बहुत सुंदर वक्तव्य था, बहुत अच्छा शशि जी ने बताया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने आर्कियोलॉजिकल जो ये खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, काफी काम हो रहा है, वेदकालीन जो अवशेष मिले हैं उनमें क्या किसी में कहीं फांसा मिला है, अक्ष मिला है, ऐसी कोई जानकारी है? कोई इतिहासकार यहाँ उपस्थित हो तो बता पाएगा। वैसे मुझे हल्का सा ऐसा लगता है कि जो ये बोर्ड होता है चौपट या क्या कहते हैं इसको, धनंजय चौसर, चौसर, तो उसकी तरह का कोई वहां पर मिले हैं निशान। अच्छा, मतलब इससे लगता है कि कोई ऐसी क्रॉस वो खाने बनाकर खेलने वाली वो लोग भी करते थे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उदय, एक पूछने की बात आपसे। ये जो आपने आखिर में छह तरह की आपने इतियां बताई हैं, एक बार दोबारा बता देंगे? वो श्लोक में कुछ आपने बताया था जी, और मैं उसमें से तीन चार तो अभी आजकल देख रही हूँ, और आगे कोई आ ना जाए डरती भी हूँ। देखिए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभा, मूषका, शुकाहा, बहुवचन है सारे। और दूसरी पंक्ति में आएंगे प्रत्यासन्नाश्च राजानः, षडेशः इत्याह स्मृतः। अतिवृष्टि माने बहुत ज्यादा पानी का बरसना, वो हो रहा है ना आजकल, पानी कोई बरसने के, कभी ओले गिरते हैं गर्मी के मई में, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि वो जो आप लोग समझते हैं सूखा पड़ता है, जब धरती फट जाती है। ये जो तीसरा है शलभा, टिड्डियों को कहते हैं, शलभ आना, टिड्डियों का आना, मूषका चूहों का हो जाना, चूहे बहुत हो जाए अगर भंडारे में चले जाए फूड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया, तो सोचो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और तीसरा है शुकाहा, और शुकाहा माने पक्षी, और पक्षियों का ये लिखा है कि पक्षियों का ज्यादा बोलना, पक्षी मतलब पक्षियों का ज्यादा बोलना, ज्यादा हो जाना नहीं लिखा है, ज्यादा बोलना, जो कि आजकल दिख रहा है। दोपहर को भी पक्षियों की आवाज मैं पहले नहीं सुनती थी, अभी सुनाई पड़ती है, और सुबह तो इतनी ज्यादा की पूछो मैं, शायद आपने भी अनुभव किया। और चौथा है प्रत्यासन्नश्च राजानः, दूसरे पड़ोस के राजाओं का अटैक के लिए समीप में आ जाना। यहाँ पर आए दिन चाइना और आंखें दिखा रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, वो आ जाना मतलब अटैक कर देना नहीं, अटैक के आसपास की स्थिति पैदा करना। तो छह इति कहलाती हैं, छह विपदाएं होती हैं, और आगे कहीं इसका सारे का दोष राजा पे मड़ा गया कि यथा राजा तथा, जैसा राजा हो, तो आजकल राजा तो कोई होता नहीं, तो इसलिए मैंने आगे की बात बोली नहीं,
क्योंकि प्रजा होती है राजा, तो फिर हम पर दोष आएगा, हम इन लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है जिसके कारण हम ही को ये संकट भोग रहे हैं। राजाना के बाद आपने क्या बोला था आगे? प्रत्यक्ष राजाना, समीप में आ जाना, किसी पड़ोसी राजा के समीप में का समीप में आ जाना, माने अटैक करने के लिए आ जाना। ठीक है जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। अमला मैडम जी बोलना चाहती हैं, डॉक्टर मैडम जी आप बोलिए, विचार रखिए आपने, अनम्यूट कर दीजिए फिर बात। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। बिल्कुल आ रही है। आपकी फोटो नहीं दिख रही बस। हाँ, कैमरे में मेरे कोई दिक्कत है थोड़ी सी तो। अच्छा, आप बेंगलोर से? नहीं, मैं प्रयागराज से हूँ मैडम। हम लोगों का कमिंग वेबिनार जो है उसमें आप किस तारीख को? अच्छा अच्छा ठीक है। मैडम हमें केवल एक जो दूसरों को आप ये बनाएं जो अर्थ है अंतिम, उसका अंतिम सूक्त का, अंतिम मंत्र का, तो उसकी जगह पर का अर्थ शत्रुओं को बनाएं, ये हो सकता है? ये कई जगह वेद में मैंने ऋषि लोग ऐसा करते हैं कि हमारे शत्रुओं को ऐसा करें। हाँ, मतलब पर का मतलब दूसरे लोगों की बजाय शत्रु, मतलब आप हमारे शत्रुओं को ये सब करें। दिस थिंग इज सो मच अनवांटेड एंड सो मच। ठीक है, आप सही कह रहे हो। जैसे और बात होती है ना, द्वेष हटना या दूसरे अपने नाशनल सुख अंत होता है तो उसमें कहता है मुझे तो बुरे सपनों से आपने बचा दिया, आप किसी और को ही फंसाए, तो वहां पर शब्द इस्तेमाल में हो रहा है, दूसरे हो रहा है, द्वेष में दूसरों को घृणा में डालें हमें बचाएं। लेकिन यहाँ पर अन्यो लिखा हुआ है, कोई अन्य ही बबरुओं के आकर्षण में फंसे, अन्यो बबरुणाम प्रसितो निवस्तु, कोई दूसरा ही बबरू माने बुरे पासों के प्रसित माने बंधन में बंधे, तो अन्य शब्द का प्रयोग है यहाँ पर नहीं है, शत्रु नहीं है। हाँ, नहीं, पर वो सुधार की दृष्टि से है ना? एक भाव वो इंटरप्रिटेशन में मुझे लगा कि शायद लिया जा सकता है, लेकिन वो शत्रु का नहीं, ये सुधार के लिए कह रहा है ना कि आपको फंसाएं और आप किसी और, ये जो हमारा ग्रुप है इन्हीं में से किसी को ले लें और उसका भी ऐसे ही ब्रेन वॉश करके मेंटल उसको सुधार करें, उसका ठीक करें, ये भी भावना हो सकती है ना। जी, किसी और को ही रखें अपने बंधन में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत सारे पक्ष इसमें उभर करके आए। अब ये भी एक रिसर्च की बात है कि 500 से कैसे खेला जाता था, 53 है या वो पूरा नहीं समझ में आता है, लेकिन थोड़ा मूल अर्थ तो वही है जो आज भी है कि पैसा भी लगाने लगे, खेलने के लिए बैठते थे लेकिन बाद में वो पैसों की बात कर रहा है, इसके मतलब पैसा भी लगाने लगे। आपने देखा होगा शुरू में पैसे की बात नहीं कर रहा, बाद में वो ढूंढ रहा है, ऋण मांग रहा है, तो ऋण क्यों मांग रहा है? क्योंकि शायद दांव पे पैसे भी लगाने लगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि जैसा आज हो रहा है वैसे ही रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट खेल का क्या स्वरूप था ये कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्ते। चलिए, बढ़िया ही प्रासंगिक चर्चा रही हमारे बीच। और कोई है समय प्रश्न रखना चाहते हो, प्रासंगिक प्रश्न हो? सर मुझे पूछना है। हाँ जी, पूछ सकती हैं। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना है, आप जो समझा रहे थे कि 53 या 150 पासे होते हैं और उसमें जब 4 बच जाए तो उसका अर्थ ये होता है, वो वाला मैम दोबारा से क्लियर कर दीजिए। क्योंकि 53 है, अगर हम प्लस करेंगे तो 53 है, और अगर हम क्रॉस करेंगे 50 × 3 करेंगे तो 150 है। अच्छा, अब ये संख्या ऐसी है जो 4 से पूरी तरह से भाग नहीं होगी, कुछ ना कुछ बचेगा, या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेंगे या तो 3 बचेंगे या तो 0 बचेगा। जी, कि हो पाएगा 4 से भाग? धनंजय जी बताएंगे।
मेरे ख्याल से तो चार से भाग पूरा नहीं होगा, 53 का तो नहीं होगा, और प्रोफेसर भूदेव जी बता सकते हैं गणित के आचार्य। तो इसलिए वो खेल को उन्होंने ये संख्या रखी कि उसमें जब वो यही तीन आएंगे फिगर, तो उसमें जो सबसे ऊपर आएगा वो है जिसका जीरो रहा, जीरो बचेगा, और जिसका एक होगा वो कलीर कहलाएगा। कली कली द्वापर त्रेता और कृत, कृत माने सतयुग को कहते हैं। तो कृत है शून्य, त्रेता माने तीन आ रहा है तो आप तीन को तीन रखो, द्वापर में दो आ रहा है तो दो को दो रखो, और कलयुग में एक एक रख लिया। चार तो चार से तो वो भाग कर ही रहा है इसलिए वो छोड़ दिया। क्यों, किसी को और समझ आया हो तो बताए, गणित इसमें जो गणितीय पक्ष है। बाकी ये शायद खेल की नजर से तो ये सही है जो मैंने बताया। और मैम इसमें इरिणे का अर्थ केवल द्युतपटल है या इसके अलावा कुछ और भी अर्थ है इसका? नहीं, इरिण माने द्युतपटल। अब वो द्युतपटल किस चीज का है नहीं पता, लकड़ी का है किसका है नहीं पता, उसमें खांचे बने नहीं बने नहीं पता। जैसे आपका लूडो होता है ना, लूडो और स्नेक एंड लैडर, ऐसे कोई हम मान लेते हैं, लेकिन पता नहीं जमीन पर ही खांचे बना लेते हो या लकड़ी से बनाते हो या किसी धातु से, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन इरिण शब्द का प्रयोग दो बार आया है, पहले मंत्र में आया और बाद में भी आया है, जब ये लूडो है ना तो दो बार आया, इसलिए वो द्युतपटल का वाचक है। ठीक है मैम, थैंक यू। प्रश्नोत्तर सत्र को करते हैं, कुछ समीक्षा सुन लेते हैं जिन अध्यापिका और अध्यापकों ने पढ़ाया वर्षों, 40-50 साल विश्वविद्यालय में पढ़ाए हैं, तो उनसे निवेदन है। तो हमारे बीच उर्मिल मैडम जी हैं, काफी अनुभव रखती हैं विश्वविद्यालय में सूक्तों को पढ़ाई, तो इस समय को देख के कुछ छोड़े अपने अनुभव प्रस्तुत करें, उत्साह मिलेगा। उर्मिल मैडम जी, मैं ये त्रिपंचाशत का एक और इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा करना चाह रही हूँ। 3x50 अगर लेते हैं तो 50 पासे हैं जो तीन बार खेले जाते हैं, और तीन बार खेलने के बाद विजय और हार का जो निश्चय है वो किया जाता है। तो ये भी अर्थ हो सकता है त्रिपंचाशत, क्योंकि हम में से कोई जुआ नहीं खेलता, कुछ पता नहीं है क्या है, सिर्फ हमारी इंटरप्रिटेशन है ये। तो एक ये भी अर्थ इसका त्रिपंचाशत का हो सकता है, मतलब एक मेरे दिमाग में आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा है। बाकी हो सकता है, हो सकता है, बहुत कुछ है। 50-50 तीन बार, हाँ तीन बार वो फेंके, एक पहले में मान लीजिए उसका प्लस माइनस आता है, फिर सेकंड में, थर्ड जो चांस है दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि वो जीत रहा है या हार रहा है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, मतलब दिमाग में आई है। और दूसरी चीज है कि ये साइकेट्रिक केस भी है, ये व्यसन में जाना जो है ये साइकेट्रिक केस है, और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बताई गई है ज्वारी की, वो एक ऐसा ज्वारी है जो घर की कामना कर रहा है, यानी माँ बाप ने उसको पहले ही निकाल रखा है, पुलिस की तो बाद में बात आएगी, तो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है इसलिए वो ससुराल में रहता है, ये आपने बताया। तो जो व्यक्ति ससुराल में रहता है वो साइकोलॉजिकली वैसे ही पुरुष जो है बाय नेचर वो रहना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपना घर चाहता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यसन में पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, परंतु उसको व्यसन से निकालने का जो कार्य है वो भी परिवार का ही है, परंतु परिवार उसको साथ नहीं दे रहा है, एक मतलब बड़ी दुर्गति इसमें दिखाई है। तब सविता को वो लाए है, जो सविता मीन्स इंस्पायर, उसको इंस्पायर करने वाला चाहिए, और जो इंस्पायर करेगा वो ही उसको समझाएगा कि तुम व्यसन से निकलो। तो एक साइकेट्रिक केस भी दिखता है कि ये व्यसन में जाना है, साइकेट्रिक केस होता है। दूसरा जो है, जो आपने बताया कि वो 10 उंगलियां प्राची, मुझे वो याद नहीं है पूरी लाइन, पूर्व दिशा की ओर करता है,
तो एक्चुअली है क्या कि वो पहली बात तो ये है कि ऋग्वेद में जो द्यूत जो जुआ खेला जाता है या शराब पी जाती है उसके लिए रोड साइड पे बिल्कुल मना है। वो द्यूत शालाएं बनाई हुई है, मदिरालय बनाए हुए हैं और वहीं वो कार्य हुआ करते थे। तो दूसरों के घर में जब वो रात को जाता है, और जुआ जरूरी नहीं है कि रात को ही खेला जाए, दिन में भी बहुत लोग खेलते हैं, तो जब वो रात को जाता है तो उससे पहले वर्णन आया कि वो हार चुका है और उसका घर लुट चुका है, वो वर्णन आया है। और रात में जब जाता है ऋण को चुकाने के लिए, वो पैसा लेने, क्योंकि उसको ज्वारी से अपनी पत्नी को भी छुटाना है और जो भी कुछ उसका गया है सारा उसको भी छुटाना है, वो लेने जाता है। और फिर जब उसे नहीं मिलता पैसा तो वो जैसे आपने कहा अग्नि के पास गिर जाता है, यानी सड़क पे पड़ा हुआ है बेचारा। सुबह उठता है तो उसे पश्चाताप होता है कि मैं क्यों व्यसन में पड़ा। ये आत्म प्रलाप है व्यसनकारी का। और ये जो दिखाया है कि सुबह उठ के वो हाथ जोड़ता है, तो उसमें दिखाया है कि जब व्यसन छोड़ना है तो इंस्पायरर तो उसको छुड़ाएगा ही, परंतु जो दूसरा व्यक्ति है खुद है उसको भी अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेना होगा कि अब मैं छोड़ूंगा। तो वो 10 उंगली जोड़कर पूर्व दिशा में सूर्य जब उगता है तब वो संकल्प लेता है कि अब मैं व्यसन नहीं करूंगा। तो इस तरह की कुछ थोड़ी इंटरप्रिटेशंस हैं जो मुझे लगता है की जा सकती हैं। और मित्रम कृणुध्व जब वो कहता है पासों से कि भाई अब मेरे साथ दोस्ती करो, इसका मतलब है कि हारने जीतने की बात खत्म है, अब हम मनोरंजन के लिए ही खेलेंगे। गेम है, खेलना चाहिए परंतु मनोरंजन के लिए ही खेलेंगे। तो मित्रता रूप में ही खेलेंगे, हम दुश्मन नहीं बनेंगे किसी के, क्योंकि वहां तो दुश्मन बनते ही है जब जुआ खेलते हैं। तो इस तरह के कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो मेरे दिमाग में आई, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा रहा, मैं मतलब कह देती हूँ अभी मौका नहीं है, बहुत अच्छा है शशि आपने बोला रियली, और बहुत सरल तरीके से सारे 14 मंत्रों को समझाया है। धन्यवाद और बधाई बहुत। चलिए मैडम जी, आपका एक बात बोलना चाहूंगी मैं संक्षिप्त में बोले ताकि संक्षिप्त में, कि मुझे ऐसा भी लगा कि जो उसका प्रलाप है जो वो अपने को ही समझा रहा है बार बार। तो जैसे कई बार कोई डिप्रेशन में भी चला जाता है तो वो खुद को ही समझाता रहता है कि नहीं नहीं मुझे उठना है, मुझे काम करना है, मुझे जिंदगी जीनी है, चढ़ाई वही मुझे उसके फिर मेरे को निकलना है इससे बाहर। तो फिर वो फिर फंस जाता है डिप्रेशन में, तो फिर समझाता है खुद को। तो आदमी तो इसको एक इनर कॉन्शियसनेस या अंतरात्मा की आवाज, जिसको हम कहते हैं कि भगवान एक आवाज देता है, फिर जब आप चार बार आप उस आवाज को दबा देते हैं तो फिर आप गलत काम पे चल पड़ते हैं। लेकिन भगवान कॉन्शियस करता है आपको अंतरात्मा की आवाज से, गलत काम आप कर रहे हो। तो ये अब जो प्रलाप उसका है, ये अंतरात्मा की आवाज कॉन्शियसनेस भी है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो सही है, अनुराधा जी का कहना सही है, क्योंकि वो मन स्थितियां ही तो बता रहा है बार बार, बार होता है, बार बार आवाज सुनता है तो उसके पीछे भागता है। तो वो मन, ये सारा साइकोलॉजिकल तो हो ही रहा है, मन के अंदर ही तो हो रहा है, अपने आप से तो बोल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद, इस सत्र को प्रवेश मैडम जी के सुझाव के साथ समाप्त करते हैं। प्रवेश मैडम जी, इंडोर गेम, आउटडोर गेम आदि पे आपके बड़े आलेख है, पुस्तक है, ठीक है। मैंने भी इस सूक्त को बहुत साल पढ़ाया है, और मैं एक शब्द जो इस में यूज हुआ है कुमार देशना, इस शब्द को लेना चाहूंगी। कुमार देशना कहता है कि पासे पासों का देना बच्चों की तरह है, जैसे बच्चा बच्चे के हाथ में टॉफी है, हम मांगेंगे तो टॉफी हमें दे देगा, फिर थोड़ी देर में मांग लेगा। तो व्यसन में व्यक्ति पढ़ता कैसे है, जब वो पासे खेल रहा है एक दो बार जीत जाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, फिर वो निरंतर खेलता रहता है। और ये व्यसन इतना पुराना है कि ऋग्वैदिक समय में भी है और आज भी हम देखते हैं विदेशों में और शायद अपने देशों में भी
कैसिनोज हैं, लोग खेलने जाते हैं, हारते भी हैं बहुत लोग और हारना भी चलता है, लेकिन ये जो आत्म प्रहलाप वो कर रहा है और यहाँ पर स्पष्ट चौथे मंत्र में दिया है पिता माता भ्रातरा एनम आहु न जानिमो नयता बद्धम एतम, फिर आ जाती है उसके द्वार पर घर पर। ऐसा नहीं है कि वो ससुराल में ही रह रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी को कष्ट है तो सास बोलेगी कि भाई ये दामाद कैसा है, ये मेरे लेकिन ये जो सारे रिश्ते हैं, क्योंकि उस समय पुरुष जो है वही घर के लिए अर्जन करता है या कृषि करता है, तो स्त्रियां घर में रहती हैं, तो अब उनको पैसा नहीं मिल रहा। और जब पुलिस आ जाती है कि भाई ये जो है ऐसा इसने कर्जा ले लेके खेला है और इसको पकड़ने के लिए आ जाती है, तो सारे वहां पर मानवीय जो संबंध है वो जिस आधार पर है उनके बारे में कहा गया, पिता माता और भाई सब कह देते हैं भैया इसको ले जाओ पकड़ के, तो ये भावना है। और जहां तक यहाँ हम देखते हैं कि आजकल भी कोई एडिक्शन या व्यसन हो जाता है तो डी एडिक्शन के सेंटर्स हैं कि जाकर उनको दवाई दी जाती है, उनको वहां रहना पड़ता है और शराब की लत या जो भी बुरी लत लग गई है वो दूर की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद का जो आशावाद है वो उसको अवसाद से निकालता है और उसमें वो अपनी सहायता वो खुद करता है आत्म संकल्प आत्म विश्वास से, और जो 10 दिशाओं में जो वो उंगलियां करके करता है वो एक शपथ खाता है कि अब मैं ये नहीं करूंगा। और जो सविता देव की बात आई है वो प्रेरक देव हैं, तो उस समय वो ये प्रण करता है कि मैं नहीं खेलूंगा। कहने अब यही है कि हमें सबसे पहले अपने आप को अपनी कोई भी बुरी लत को या बुरी आदत को छोड़ना है, हमें संकल्प खुद लेना पड़ता है, खुद प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। धन्यवाद। ये विषय को समाप्त करते हैं, बढ़िया प्रासंगिक विषय रहा, बहुत से विद्यार्थियों ने और चिंतकों ने प्रश्न रखे, बड़ी अच्छी उपस्थिति मैडम जी की रही। मैं देख रहा था 48 लोग जुड़े और सभी प्रबुद्ध, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा संस्थान में विद्वानों का भरमार हो गया है, तो हमें बड़ी खुशी होती है ऐसे आयोजन हो। एक आर्ष दृष्टि, देश के विभिन्न भागों से लोग आए हुए थे, अभी मैं देख रही हूँ हरिद्वार से दिनेश चंद शास्त्री जी आए हुए हैं जो वेद विभाग के अध्यक्ष हैं। क्या बढ़िया। और इलाहाबाद से आपने देखा दो लोग थे, बेंगलोर से आए हुए थे जिनको मैं एक, ये कानपुर से कई लोग हैं जिनको मैं पहचान पा रही हूँ। जी नमस्ते, मैं आशा पांडे कानपुर से, नेट खराब था इसलिए थोड़ा देर से जुड़ पाई हूँ। अच्छा अच्छा। कोलकाता से मैंने देखा एक विद्वान थे, कलकत्ता से। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ विद्वान नहीं, जो लोग विद्वान नहीं है, जो संस्कृत नहीं जानते, जिज्ञासुओं का ज्यादा महत्व है यहाँ हमारे में, जिज्ञासु का ज्यादा महत्व विद्वान से। जिज्ञासु भी बहुत रस ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, वो ज्यादा उनका नंबर वन पर वही है, दो पर हम आते हैं अगर हम विद्वान है तो। धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया लोगों को, ये दिनेश जी हैं जो वेद विभाग अध्यक्ष। चलिए, आपको बड़ी अच्छी व्याख्या आपने की है, मैं बड़े जल्दी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी व्याख्या की बहन जी आपने, मैंने सारा सुना है। मैडम जी आप 2 मिनट बोलने के लिए बोलिए, हमारे पास है 5 मिनट और। वेद विभाग के प्रमुख जो है, आप बोलिए दिनेश जी, आपको सुनने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिनेश शास्त्री जी कहाँ चले गए? नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा राघव जी, आप डू यू वांट टू से समथिंग? डॉक्टर राघव नॉट अवे, और किसी को जो बाहर से आए? नीलम नहीं। मैम नमस्ते। नमस्ते शशि मैम, नमस्ते। कुछ कहना है?
बस मुझे ये पूछना है मैम कि जो ये आपने वृष्टि अनावृष्टि वाला श्लोक कहाँ से उद्धत है ये? बहुत से श्लोक अज्ञात होते हैं और वो सब सुभाषित भंडागार में इकट्ठे किए गए हैं एक समय में, लेकिन उसमें भी बहुत से फिर भी छूटे हुए हैं, तो अब ये कहाँ पर है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, वैसे किसी ग्रंथ का नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, ये नई चीज पता लगी है हमारी जो विपदाएं हैं। बहुत पहले से मुझे तो याद है, थोड़े बचपन से जब टिड्डी आई थी तब से याद है। 8 साल पहले टिड्डियां आई थी, अब 60 साल बाद आई आ रही है। इलाहाबाद को कह रहे हैं पहुंच गए, यूपी में प्रवेश कर रही है। हाँ थैंक यू मैम, चलिए सत्र समाप्त करते हैं। दिनेश चंद्र जी आप आ गए, दिनेश जी आपको संबोधित कुछ 2 मिनट में कह सकते हैं। आपका ये फोन को करना पड़ेगा म्यूट, अनम्यूट करना, अनम्यूट करना पड़ेगा। दिनेश चंद शास्त्री जी, उनको नहीं समझ आया। चलिए अब समय हमारे पास नहीं है, ठीक है। कुछ अर्श विद्वान यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको लगता है क्या बारी, क्या मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप बोलिए। हेलो, आपका स्वागत है। आप हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अक्ष सूक्त के ऊपर डॉक्टर शशि तिवारी जी ने जो बोला है ये मैंने बाद में थोड़ा सुना है, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, प्रॉब्लम रही, लेकिन जो बहन जी ने बोला है बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सबके सामने रखा है। कई विद्वानों ने किसी और तरह से बोल रहे थे वो शायद ना फोन पर, हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चलिए अब सुन नहीं पाए, हमारा दुर्भाग्य रहा। समापन कर सकते हैं। हाँ अब समापन करते हैं। अब कुछ अर्श विद्वान है, उनके मन में कुछ विचार उठ सकते हैं। वेद में इतिहास नहीं है तो इस पक्ष को मैं थोड़ा केवल 1 मिनट में प्रस्तुत करता हूँ। ईश्वर का हमारे लिए एक संदेश है कि हमें जो क्रीड़ा है इसको व्यसन की तरह नहीं लेना है। तो परमेश्वर की प्रेरणा से ऋषियों को जो अनुभूतियां हुई है तो उसके माध्यम से भले ही स्वगत वचन हो, आत्म प्रलाप हो, कुछ भी हो, लेकिन इतिहास नहीं है, ये केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कुछ संदेश है। तो हमें व्यसन में नहीं फंसना है, और अगर सन्यासी को तो व्यसन नहीं अपनाना है, वानप्रस्थी को तो व्यसन नहीं अपनाना है, और ब्रह्मचारी और गृहस्थ इन दोनों के लिए ये अवसर है। लेकिन ब्रह्मचारी अगर मर्यादा से गुरुकुल में रहे तो वो भी व्यसन से बच जाएगा, लेकिन एक गुंजाइश बनता है गृहस्थ के लिए, क्योंकि उसके हाथ में सभी व्यवस्था है। क्योंकि तस्मात् ज्येष्ठा श्रमो गृही, गृहस्थ के हाथ में बिगड़ने के बड़े चांसेस होते हैं, सुधरने के बड़े चांसेस होते हैं। तो क्रिया नहीं करनी, यानी पशुओं की अनावश्यक हत्या नहीं करना, शराब तो पीनी ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप के श्रेणी में शराब पीना आता है, भले ही दिल्ली सरकार टैक्स बढ़ा दे या घटा दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विद्वानों को समझ लेना चाहिए। परस्त्री कामन नहीं करना, अक्षय क्रीड़ा आदि में केवल क्रीड़ा की भावना से, आनंद की भावना से इसको खेलें, जैसे बच्चे खेलते हैं, बहुत से कंकड़ बिनते हैं और घर जाके आराम से लेट जाते हैं, कौन हारा कौन जीता और कंकड़ कहाँ गए इसे भूल जाते हैं। तो इस तरह आनंद के लिए आप खेलें, इसको आप इंडोर गेम कर सकते हैं, आउटडोर गेम की भी बड़ी व्यवस्था है, हमारे शास्त्रों में चर्चा है। तो इस तरह परनिंदा और चुगली इत्यादि व्यसनों से बचें, ये हम सब गृहस्थों के लिए है। तो इस तरह बढ़िया चर्चा और सुताज रहा, और सबसे बड़ी महत्व रही कि 14 मंत्रों को एक छोटी सी अवधि में समाप्त कर देना, ये केवल शशि मैडम जी की जो पात्रता है उसी में ये सारा कुछ देखा जाता है। तो मैडम जी का विशेष धन्यवाद। और सूचना है सोमवार को वैदिक साहित्य में व आर्ष साहित्य में प्रायश्चित की भूमिका, इस पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा, समय यही रहेगा। तब तक हम सब आपस में प्रतीक्षा रखते हैं और आपस में विचार बनाते हैं कि उस समय की हम प्रतीक्षा करें। आइए सत्र समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सब प्रेम नमस्ते आप सभी स्वस्थ रहिए और विविध क्रिएटिव एक्टिविटी में जुड़े रहिए यही परमेश्वर से प्रार्थना है फिर सोमवार को मिलते हैं एक नए विषय और नए वक्ता के साथ।